हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई सीरीज 10 जून की रात सीजन 2। इसका सीजन 1 मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीजन 1 में हमने देखा था कि पप्पी और भाग्यश की शादी हो रही थी कि तभी उनकी शादी में किसी का मर्डर हो जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि भाग्यश की माँ ने पप्पी को शादी के लिए मना लिया था, क्योंकि वो चाहती थी कि जल्दी से भाग्यश की शादी हो जाए और वो अपनी फैमिली स्टार्ट करें। तो वही भाग्यश ने बट्टू को शादी में आने के लिए कन्विंस कर लिया था और बट्टू भी उसे मना नहीं कर पाता और वो शादी में आ जाता है। अब शादी शुरू हो जाती है और जैसे ही 3.5 फेरे होते हैं किसी का मर्डर हो जाता है। ये मर्डर किसी आदमी का हुआ था, लेकिन वो आदमी कौन है ये किसी को भी पता नहीं था। उस आदमी के हाथ में एक छोटे बच्चे की फोटो थी, जिसे देखकर भाग्यश की माँ कहती है कि ये बट्टू है, यानी कि उस आदमी के हाथ में बट्टू के बचपन की फोटो थी। जिसके बाद भाग्यश पप्पी के साथ अपने बाकी फेरे लेने जाता है, लेकिन पंडित जी उसे रोकते हैं और उसे कहते हैं कि शुभ मुहूर्त बीत चुका है, इसलिए अब उनकी शादी आगे नहीं हो सकती। वो पप्पी से कहते हैं कि वो वाइफ तो बन चुकी है, लेकिन अभी वो आधी वाइफ है, इसलिए वो दोनों साथ तो रह सकते हैं लेकिन इंटीमेट नहीं हो सकते, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनके साथ बुरा हो जाएगा, इसलिए वो जल्दी से अच्छा सा मुहूर्त देखेंगे, जिसके बाद फिर से भाग्यश और पप्पी की पूरी शादी हो जाएगी। तो वही भाग्यश यही सोच रहा था कि आखिर वो आदमी है कौन और उसका मर्डर यहाँ पर कैसे हो गया। साथ ही भाग्यश अपने पापा के केस भी रिओपन करना चाहता था, इसलिए वो फिर से देवराज के घर जाता है ताकि उसे रिक्वेस्ट कर सके। लेकिन देवराज घर पर नहीं था और भाग्यश की मुलाकात उसकी वाइफ से होती है, और भाग्यश की वजह से फिर से देवराज की वाइफ ऊपर से नीचे गिर जाती है। तो वही हम पप्पी को देखते हैं जो भाग्यश से कहती है कि वो अपने घर पर जा रही है, क्योंकि पप्पी चाहती थी कि जब उनकी पूरी शादी हो जाए तभी वो इस घर में शिफ्ट हो। हालांकि भाग्यश इसके लिए मना कर रहा था, लेकिन पप्पी उसे समझाती है कि वो दोनों साथ में नहीं रह सकते क्योंकि उनसे कुछ गलत हो सकता है। जिसके बाद पप्पी अपने रूम पर वापस चली जाती है। तो वही बट्टू को पप्पी के ऊपर अभी भी शक था, उसे ऐसा ही लगता है कि इस मर्डर के पीछे पप्पी का हाथ है, इसलिए वो पप्पी को फॉलो करने लगता है। जिसके बाद हम पप्पी को देखते हैं जो सबसे छुपते हुए एक औरत से मिलने जाती है। ऐसा लग रहा था कि पप्पी का कोई राज है जिसे वो सबसे छुपा रही थी। अब बट्टू पप्पी के बैंक स्टेटमेंट निकालता है, जिससे उसे पता चलता है कि पप्पी हर महीने एक औरत को पैसे भेजती है, वो भी 15,000 रुपए, और वो औरत लखनऊ की रहने वाली थी। बट्टू इस बारे में भाग्यश को बताता है और उसे कहता है कि पप्पी की जरूर कोई फैमिली है, पप्पी ने उसे झूठ बोला है कि वो अनाथ है। लेकिन भाग्यश को अभी भी बट्टू की बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए बट्टू उसे बैंक स्टेटमेंट दिखाता है, जिसके बाद भाग्यश को भी थोड़ा डाउट होने लगता है। अब बट्टू उसे कहता है कि वो दोनों लखनऊ जाएंगे और पप्पी के बारे में पता लगाएंगे। अब भाग्यश को पप्पी पर पूरा यकीन था, लेकिन बट्टू का डाउट दूर करने के लिए वो उसके साथ लखनऊ चला जाता है। वो उस औरत के घर जाते हैं जिसे पप्पी पैसे भेजा करती थी। उस औरत को वो दोनों झूठ बोलते हैं कि वो बैंक से आए हैं, तो वो औरत उन्हें घर में बुलाती है। जैसे ही वो दोनों घर के अंदर जाते हैं, वहां पर पप्पी के साथ उसकी पूरी फैमिली की फोटो थी, जो देखने के बाद बट्टू कहने लगता है कि उसे पूरा यकीन था कि पप्पी झूठी है। जिसके बाद भाग्यश उस औरत को पप्पी के बारे में पूछता है, तो वो औरत बताती है कि पप्पी उनकी बेटी नहीं है। एक्चुअली उस औरत के पास एक छोटी बच्ची थी जो कि अनाथ थी, और पप्पी भी उस औरत को इसलिए पैसे भेजा करती थी ताकि वो उस बच्ची का ध्यान रख सके। एक्चुअली पप्पी भी एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी और वहीं पर ये औरत काम करती थी। अब ये सुनने के बाद भाग्यश को पप्पी के ऊपर और यकीन हो जाता है, और वो बट्टू से कहने लगता है कि उसे पूरा भरोसा है कि पप्पी उसे कभी भी धोखा नहीं देगी। तो वही पप्पी को पता चल जाता है कि ये दोनों उसके बारे में पता करने के लिए लखनऊ गए थे, इसलिए पप्पी भाग्यश से काफी नाराज थी क्योंकि उसे उसके ऊपर विश्वास नहीं है। लेकिन भाग्यश उसे समझाता है कि वो बस बट्टू का डाउट क्लियर करने के लिए वहां पर गया था। अब वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे कि तभी वहां पर भाग्यश का सर्वेंट आता है और भाग्यश से कहता है कि भाग्यश की माँ ने उसके ऊपर नजर रखने के लिए कहा था। जिसके बाद भाग्यश वहां से चला जाता है। तो वही साहिब सिंह भी अपनी बेटी अनिशा को बिल दिलवाता है, जिससे वानी काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उसकी बहन जेल से वापस आ गई थी। तो वही बट्टू को पता चलता है कि उसकी माँ का जेल में मर्डर हुआ है, जो सुनने के बाद बट्टू काफी रोने लगता है। अब बट्टू की माँ का अंतिम संस्कार की विधि शुरू हो जाती है, जहाँ पर भाग्यश की माँ चाहती थी कि भाग्यश सारी रस्में पूरी करे, जो सुनने के बाद भाग्यश काफी शॉक था क्योंकि बट्टू के होते हुए वो क्यों करेगा। जिसके बाद भाग्यश की माँ पंडित जी से अकेले में बात करने लगती है, और यहाँ पर बट्टू और भाग्यश दोनों ही उनकी बातें सुन लेते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बट्टू अडॉप्टेड है,
जो सुनने के बाद बट्टू का दिल टूट जाता है। तो वही भाग्यश अपनी माँ से गुस्सा होता है कि आखिर ऐसी कितनी बातें हैं जो उन्होंने उनसे छुपाई थी। लेकिन भाग्यश की माँ भाग्यश को समझाने लगती है कि उनकी मजबूरी थी, अगर बट्टू को इस बारे में पता चलता तो उसे अच्छा नहीं लगता। जिस पर भाग्यश का कहना था कि अगर उन्होंने अब तक नहीं बताया था तो अब बोलने की क्या जरूरत थी। वो बट्टू से कहता है कि बट्टू ही हमेशा रेखा का बेटा रहेगा, इसलिए उनका अंतिम संस्कार बट्टू ही करेगा। अब अगले दिन भाग्यश को पता चलता है कि किसी और पर भी अटैक हुआ था। एक्चुअली भाग्यश ने अपने पापा की केस रीओपन की थी, जिसकी वजह से उसके पापा के केस में जिन लोगों ने गवाही दी थी उन सबके ऊपर अटैक हो रहा था। और भाग्यश का डाउट था साहिब सिंह पर, क्योंकि जब भाग्यश जेल में गया था तो उसे पता चला था कि साहिब सिंह पहले मेनका में काम किया करता था, लेकिन उसने कोई फ्रॉड किया था जिसकी वजह से उसे जेल हो गई। और जैसे वो जेल से वापस आ गया वो काफी अमीर हो गया और उसने अपनी जिम स्टार्ट की। साथ ही उसने मेनका में इतने सारे पैसे इन्वेस्ट किए थे, इसलिए भाग्यश को साहिब सिंह पर ही डाउट था कि उसे मेनका चाहिए। तो वही पप्पी एक औरत से मिलने जाती है और उसे कहती है कि उनकी सच्चाई सबके सामने नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सच सबके सामने आ गया तो पप्पी की शादी टूट जाएगी। जिसके बाद हम अनिशा को देखते हैं जो रेखा की मौत की खबर साहिब सिंह को देती है। अब साहिब सिंह जैसे ही सुनता है कि रेखा की मौत हो गई तो उसे रेखा के लिए काफी बुरा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी रेखा को पसंद करता था, क्योंकि कभी भी उसने रेखा को अपनी बेटी वानी से मिलने नहीं दिया। अब ये सारी बातें वानी सुन लेती है और वो समझ जाती है कि रेखा उसकी माँ थी, और वो साहिब सिंह के ऊपर काफी गुस्सा थी क्योंकि उन्होंने उससे सच छुपाया। तो वही हम बट्टू को देखते हैं जो साहिब सिंह से मिलने जाता है। वो साहिब सिंह से पूछता है कि आखिर उसकी माँ के साथ उन्होंने इतना गलत क्यों किया, जिस पर साहिब सिंह का कहना था कि उस जमाने में लव मैरिज करना इतना आसान नहीं था, और अगर उस वक्त वो रेखा के साथ शादी करता तो उसके घर वाले भी उसे एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन साहिब सिंह बट्टू से वादा करता है कि रेखा के कातिलों को वो सजा दिलवाएगा। जिसके बाद साहिब सिंह बट्टू से कहता है कि वो अपनी माँ की मौत की वजह से काफी परेशान होगा, इसलिए कुछ दिनों तक मेनका टेटर को वही संभालेगा, और बट्टू भी इसके लिए मान जाता है। तो वही रूम्पा अपने आदमी से कहती है कि वो मेनका थिएटर में जॉब करे, क्योंकि जॉब के बहाने से वो थिएटर के अंदर जाकर नक्शा खोज सकता है। जिसके बाद उसका आदमी जॉब पर लग जाता है और मौका देखकर मेनका के अंदर जाकर नक्शा ढूंढने लगता है कि तभी वहां पर पप्पी और बट्टू आते हैं, जिन्हें देखकर वो वहां से चला जाता है और नक्शा ढूंढ नहीं पाता। तो वही पप्पी बट्टू से नाराज थी क्योंकि बट्टू हमेशा उसके ऊपर शक करता रहता है। तो वही भाग्यश को एक दूसरे पुलिस ऑफिसर से पता चलता है कि जब भाग्यश की मौसी का मर्डर हुआ था तो उसके थोड़ी देर बाद एक दूसरे आदमी पर भी हमला हुआ था, जो कि भाग्यश के पापा के केस में गवाह था। साथ ही वो ये भी बताता है कि जिस तरह से भाग्यश की शादी में उस आदमी को इंजेक्शन देकर मारा गया था, वैसे ही भाग्यश की मौसी को भी इंजेक्शन देकर मारा गया था, और उसी तरह से उस दूसरे आदमी को भी इंजेक्शन देकर मारने की कोशिश की गई थी। उस आदमी का नाम राम सिंह था और वो अभी भी आईसीयू में था। अब ये सुनते ही भाग्यश बट्टू को लेकर हॉस्पिटल आता है कि तभी वो दोनों देखते हैं कि वहां पर पप्पी भी आई थी। अब पप्पी को देखकर बट्टू फिर से कहने लगता है कि उसे पप्पी पर अभी भी डाउट है, इसलिए वो भाग्यश से कहता है कि वो पप्पी को कॉल करे और उससे पूछे कि वो कहां पर है। बट्टू को लग रहा था कि पप्पी यहां पर राम सिंह को मारने के लिए आई होगी, लेकिन जब भाग्यश पप्पी को कॉल करता है तो पप्पी उसे बता देती है कि वो हॉस्पिटल आई है, जिससे फिर से बट्टू का पोपट हो जाता है। अब यहाँ पर पप्पी फिर से भाग्यश पर नाराज थी क्योंकि फिर से भाग्यश ने उसके ऊपर शक किया था, लेकिन भाग्यश फिर से उसे सॉरी कहता है और पप्पी उसे माफ कर देती है। तो वही हम अनिशा को देखते हैं जो देख रही थी कि उसके पापा वानी से कितना प्यार करते हैं, और अनिशा को डर था कि उसके पापा सारी प्रॉपर्टी वानी को ना दे दें, इसलिए अनिशा तरुण के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि वो अपने पापा को खत्म करेगी। तो वही भाग्यश और पप्पी जब बात कर रहे थे तभी राम सिंह की भी मौत हो जाती है, जिससे भाग्यश काफी शॉक में था क्योंकि अब उसे पता कैसे चलेगा कि आखिर ये सारे मर्डर्स कर कौन रहा है। और भाग्यश को अभी भी साहिब सिंह के ऊपर ही डाउट था, इसलिए वो साहिब सिंह से मिलने जाता है और बातों बातों में उसे बताता है कि वो अपने पापा के कातिल को सजा दिलवा कर रहेगा। जिसके बाद भाग्यश जैसे ही वहां से जा रहा था तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि साहिब सिंह के ऊपर कोई हमला करने के लिए आया था, और उस आदमी के पास भी वैसे इंजेक्शन था जैसा अभी तक वो मर्डरर यूज कर रहा था। अब साहिब सिंह और भाग्यश दोनों मिलकर उस किलर के साथ फाइट करते हैं और वो किलर वहां से भाग जाता है, जिसकी वजह से वो उसे पकड़ नहीं पाते। लेकिन इस हादसे के बाद भाग्यश सोच में पड़ गया था कि आखिर ये किलर हो कौन सकता है, क्योंकि अगर साहिब सिंह किलर होता तो वो खुद पे हमला कैसे कर पाता। लेकिन हमें पता चलता है कि साहिब सिंह पर हमला तरुण ने किया था अनिशा के कहने पर, और अनिशा तरुण पर काफी गुस्सा थी क्योंकि वो उसके पापा को मार नहीं पाया था।
लेकिन अगले ही दिन भागीश को पता चलता है कि साहिब सिंह का मर्डर हुआ है, जो सुनने के बाद वो काफी शॉक था, क्योंकि अगर साहिब सिंह किलर नहीं है तो किलर कौन है। अब साहिब सिंह का अंतिम संस्कार होता है, जहाँ पर दिनकर भी आया था। दिनकर कहता है कि साहिब सिंह के कहने पर उसने भागीश को मूवी दी थी, लेकिन अब साहिब सिंह नहीं रहे तो वो उसका हिसाब क्लियर कर दे। लेकिन भागीश कहता है कि अभी उसके पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो उसके सारे पैसे चुका देगा। अब दिनकर फिर से भागीश से कहने लगता है कि मेनका थिएटर में भूत है और वही सबको मार रहा है। इसलिए वो भागीश से कहता है कि अगर वो थिएटर ओपन रहा तो एक के बाद एक सबकी मौत हो जाएगी। अब ये सुनने के बाद भागीश भी यही सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो क्या करे। वो अपनी माँ से बात करता है तो उसकी माँ बताती है कि जब भागीश का जन्म हुआ था तभी उन्हें पता चला कि भागीश के पापा ने खुद को खत्म किया है। ये सुनने के बाद भागीश की माँ शॉक में चली गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। 2 महीने लगे उन्हें खुद को स्टेबल होने में, जिसके बाद उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की, जिसके बाद जो ऑफिसर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था उसे पता चल गया कि भागीश के पापा का मर्डर हुआ था, और इससे पहले कि वो किलर तक पहुंच पाता उसे भी किसी ने मार दिया। ये देखने के बाद भागीश की माँ डर गई और उन्होंने वो पुलिस केस और मेनका थिएटर दोनों को बंद कर दिया। इसलिए वो भागीश से कहती है कि जो हो गया है वो हो गया है, लेकिन अब वो किसी और की लाइफ को खतरे में नहीं डालना चाहती। इसलिए वो भागीश से कहती है कि वो लोग कहीं दूसरे शहर में जाकर सेटल हो जाएंगे और वहां से अपनी नई लाइफ की शुरुआत करेंगे। अब अपनी माँ की चिंता देखकर भागीश और बट्टू भी इसके लिए मान जाते हैं, जिसके बाद वो फैसला करते हैं कि वो मेनका को बेच देंगे। अब भागीश और बट्टू जब इसी बारे में बात कर रहे थे तो बट्टू भागीश की मेल चेक कर रहा था, तभी वो देखता है कि बट्टू को साहिब सिंह का मेल आया था उसकी मौत से पहले, जिसमें साहिब सिंह ने एक वॉइस नोट भेजी थी जिसमें उसने कहा था कि ये सारे मर्डर्स पप्पी और उसके लोग कर रहे हैं। जो सुनने के बाद भागीश काफी शॉक था। वो उस वॉइस नोट को बार बार सुनने लगता है, लेकिन उसे फिर भी यकीन नहीं हो रहा था कि पप्पी ने ऐसा किया होगा। लेकिन बट्टू कहता है कि मरता हुआ आदमी कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। उसे पहले से पप्पी पर शक था और अब उसका शक यकीन में बदल चुका है। अब ये सब सुनने के बाद भागीश काफी ज्यादा हर्ट हो गया था, क्योंकि वो पप्पी से बहुत प्यार करता था और उसने कभी नहीं सोचा था कि पप्पी उसे इतना बड़ा धोखा देगी। इसलिए भागीश कहता है कि वो पप्पी के साथ झूठी शादी करेगा, क्योंकि वो देखना चाहता था कि आखिर पप्पी करना क्या चाहती है, वो किस हद तक जाती है। इसलिए भागीश पंडित जी को रिश्वत देता है और शादी की तैयारी शुरू करने के लिए कहता है। तो वही भागीश ने थिएटर बंद किया था, इसलिए रूम्पा के आदमी को भी जॉब से निकाला जाता है। लेकिन जैसे उसका आदमी वहां से बाहर आ रहा था, कोई उसका मोबाइल चोरी कर लेता है और देवराज को उसके मोबाइल से मैसेज भेजता है कि साहिब सिंह का मर्डर रूम्पा ने किया है, जिसके बाद पुलिस वाले रूम्पा को पकड़ लेते हैं। अब जैसे इसके बारे में बट्टू को पता चलता है, वो रूम्पा से मिलने जेल में जाता है। अब बट्टू को लग रहा था कि रूम्पा कोई और नहीं बल्कि काजल है। एक्चुअली काजल और रूम्पा दोनों जुड़वा बहनी थी, लेकिन इसके बारे में बट्टू को पता नहीं था। अब भले पुलिस वालों ने रूम्पा को पकड़ लिया था, लेकिन बट्टू को ऐसे ही लग रहा था कि शायद रूम्पा और पप्पी मिले हुए हैं। तो वही रूम्पा का आदमी पुलिस को बताता है कि उसका मोबाइल चोरी हो गया था, जिसका उसके पास प्रूफ था। वो बताता है कोई जानबूझकर रूम्पा को फंसाना चाहता है। अब ये सब देखने पर पुलिस वाले रूम्पा को छोड़ देते हैं, जिसके बाद रूम्पा अपनी बहन काजल के पास जाती है और उसे धमकाती है कि वो बट्टू के साथ प्यार का नाटक करे और उसे पता लगाए कि नक्शा कहाँ पर है। अब काजल इसके लिए मना कर रही थी, लेकिन बहन के धमकाने पर उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए काजल बट्टू को मिलने बुलाती है, जहाँ पर भागीश भी आता है और वो दोनों काजल को किडनैप कर लेते हैं, जिसके बाद वो काजल को अपने रूम पर लेकर जाते हैं और उसे धमकाते हैं कि वो उन्हें सब कुछ सच बता दे, नहीं तो वो उसके सारे बाल काट देंगे। जिसके बाद काजल उन्हें बताती है कि जिससे बट्टू जेल में मिला था वो रूम्पा थी, काजल की जुड़वा बहन। काजल बताती है कि उसके पापा भी पहले मेनका थिएटर में काम करते थे। एक बार वो घर पर आए तो वो काफी ज्यादा डरे हुए थे। उन्होंने उन्हें बताया कि उनके पास खजाने का आधा नक्शा है और आधा नक्शा उन्होंने मेनका थिएटर में रखा है, लेकिन उनकी जान को खतरा था इसलिए वो यहाँ से नेपाल शिफ्ट हो गए। काजल बताती है कि जैसे वो बड़ी हो गई वो इस खजाने की बात को भूल गई और अपने काम में ध्यान देने लगी, लेकिन रूम्पा का एक ही मकसद था इस खजाने को पाना, और इसीलिए काजल को उसने बट्टू के पास भेजा है ताकि वो उसके साथ प्यार का नाटक करे और खजाने के बारे में पता करे। अब ये सारी बातें सुनने पर बट्टू समझ जाता है कि काजल और रूम्पा अलग अलग हैं, इसलिए वो काजल से कहता है कि वो कुछ दिनों तक यहीं पर रहें जब तक उन्हें सारा सच पता नहीं चलता, और काजल भी इसके लिए मान जाती है। तो वही पप्पी को डाउट हो रहा था, क्योंकि भागीश अब पहले की तरह उसके साथ ज्यादा बात नहीं किया करता था, लेकिन भागीश उसे समझाता है कि वो बस शादी की तैयारियों में बिजी है।
तो वही भाग्यश्वर बट्टू दोनों ही काफ़ी उदास थे, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो पार्टी करेंगे और इसीलिए वो अपने नौकर के घर में पार्टी की अरेंजमेंट करते हैं। वहाँ पर पार्टी करते हुए वो दोनों काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। तो वही अगले दिन भाग्यश की शादी थी और पप्पी वहाँ पर रेडी होकर आ जाती है। जैसे ही पप्पी वहाँ पर आती है, भाग्यश अपनी गन निकालता है और पप्पी को रोकता है और पप्पी को वो साहिब सिंह का मेल सुनाता है, जो सुनने के बाद पप्पी भी काफ़ी शॉक थी। पप्पी उसे बताने लगती है कि उसने साहिब सिंह को नहीं मारा, जिस पर भाग्यश कहता है कि वो जानता है कि पप्पी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। भाग्यश कहता है कि उसे पता चल गया है कि असली किलर कौन है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि दिनकर ही है जो सारे लोगों को मार रहा था, क्योंकि दिनकर को यकीन था कि मेनका में खजाने का आधा नक्शा है, इसलिए वो नहीं चाहता था कि मेनका शुरू हो, क्योंकि दिनकर को अभी तक खजाने का नक्शा नहीं मिला था। और इसीलिए दिनकर ने भाग्यश के नौकर को धमकाया कि अगर उसने उन लोगों को नहीं मारा तो वो भाग्यश की पूरी फैमिली को मार देगा। इसलिए भाग्यश के नौकर ने इन सारे लोगों को मारना शुरू कर दिया ताकि भाग्यश डर जाए और मेनका थिएटर ओपन ना करे। अब यहाँ पर भाग्यश समझ नहीं पा रहा था कि उसका नौकर इतना वफादार क्यों है। तब उसके नौकर ने उसे बताया कि बट्टू एक्चुअली उसका बेटा है, जो सुनने के बाद बट्टू भी काफ़ी शॉक था। यहाँ पर भाग्यश की माँ बताती है कि जब उनके नौकर को बेटा हुआ था तभी उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से वो बट्टू को संभाल नहीं पा रहे थे और बट्टू को तब रेखा ने अडॉप्ट किया, क्योंकि रेखा को जो बेटी हुई थी उसे साहिब सिंह लेकर गया था, इसलिए रेखा भी अकेली हो गई थी, इसलिए उसने बट्टू को अपना लिया। और रही बात पप्पी की कि वो किस औरत से छुपकर बात किया करती थी, तो वो पप्पी की माँ थी। एक्चुअली पप्पी की माँ एक नाचने वाली थी और वो नहीं चाहती थी कि उनके प्रोफेशन की वजह से पप्पी को प्रॉब्लम हो, इसलिए उन्होंने पप्पी को ऑर्फनेज में रखा था ताकि सबको ऐसे ही लगे कि वो अनाथ है, और पप्पी हमेशा उनके साथ ही बात किया करती थी। अब बट्टू के सामने सारा सच आ गया था, इसलिए वो पप्पी से माफ़ी मांगता है, क्योंकि वो समझ गया था कि पप्पी वैसे नहीं है जैसी वो सोचा करता था। कि तभी भाग्यश और बट्टू को पता चलता है कि उनके नौकर ने खुद को ख़त्म करने की कोशिश की है, जिसके बाद वो सभी लोग हॉस्पिटल जाते हैं और उनका सर्वेंट बताता है कि इतने सारे लोगों को मारने के बाद वो काफ़ी गिल्टी फील कर रहा था, इसलिए उसने खुद को ख़त्म करने की कोशिश की। तो वही बट्टू अपने पापा से मिलकर काफ़ी खुश था, जिसके बाद भाग्यश सबको बताता है कि जब बट्टू और वो पार्टी करने के लिए उनके सर्वेंट के घर में गए थे तो वहाँ पर उसे वो इंजेक्शन दिखाई दिए और वो समझ गया कि वो किलर कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का सर्वेंट है। जब उसने उसके साथ बात की तो उनके सर्वेंट ने उसे सारी सच्चाई बता दी, और तब भाग्यश को पता चला कि ये सारे मर्डर्स करने वाला कोई और नहीं बल्कि दिनकर था। तो वही पुलिस वाले अब दिनकर को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद कहानी एक साल आगे बढ़ती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पप्पी और भाग्यश की शादी हो गई थी। तो वही बट्टू और काजल भी रिलेशनशिप में थे, साथ ही देवराज की वाइफ भी अब ठीक होने लगी थी। तो वही हम दिनकर को देखते हैं जिसे फांसी की सजा हो गई थी। साथ ही भाग्यश ने मेनका शुरू कर दिया था और वो काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि वहाँ का पर्दा किसी ने फाड़ दिया, जिसके बाद भाग्यश जब अंदर जाता है तो वहाँ पर उसे एक बक्सा मिलता है, जिसे खोलने पर वो देखता है कि उसके अंदर खजाने का आधा नक्शा था, जो देखकर भाग्यश समझ जाता है कि जरूर कोई खजाना है। और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी 10 जून की रात सीजन 2 की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।